से आए हुए सभी हमारी माताएं बहने, आज रामगढ़ जिले के लिए यह ऐतिहासिक दिन जो हर घर तक बिजली पहुंचाने की जो योजना थी, इस योजना में भी इससे पूर्व सबसे पहला जिला रामगढ़ ओडीएफ हुआ और आज दूसरी उपलब्धि रामगढ़ जिला हर घर में बिजली पहुंचाने की उपलब्धि, यह भी पहला स्थान रामगढ़ को मिला, यह भी सौभाग्य की बात है। मैं इसके लिए सभी गांव की जनता को भी बधाई देता हूं, विभाग के पदाधिकारियों को भी बधाई देता हूं, सभी लोगों के सहयोग से और प्रयास से यह संभव हुआ। बिजली ले जाने में कई कठिनाइयां हम लोगों को झेलना भी पड़ा, लेकिन आज काफी मेहनत के बाद इसमें सबसे पहले हम लोग रामगढ़ जिला को सफलता मिली है। मैं विभाग के पदाधिकारियों, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि हर घर तक तो हम लोगों ने बिजली पहुंचा दिया, लेकिन अगला लक्ष्य रामगढ़ के लिए भी और चुनौतीपूर्ण है कि हम लोग हर खेत तक बिजली पहुंचाएंगे, इसका भी लक्ष्य रामगढ़ सबसे पहले पूरा करेगा। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना, जो रामगढ़ में 100% का जो लक्ष्य रखा गया है, हर घर तक यदि बिजली पहुंचा है तो हर घर तक पानी पहुंचाने का भी लक्ष्य रामगढ़ का है। मैं विश्वास दिलाता हूं अपने विभाग की ओर से और सभी रामगढ़ की जनता को भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि 2019 तक हर घर में हम शुद्ध पेयजल पहुंचाएंगे, यह भी हासिल रामगढ़ पहला जिला होगा। उसके साथ साथ हम लोगों ने हर पंचायत को पक्की सड़क से जोड़ चुके हैं, उसके अलावा हर गली को पक्की सड़क से जोड़ने का जो लक्ष्य है, हम 2019 तक हम लोग हर गली को भी पक्के सड़क से पूरा करेंगे, यह भी लक्ष्य हम लोगों का है। मैं इसके लिए जिला प्रशासन को भी बधाई देता हूं कि इनका सहयोग काफी रहा है विकास के कार्यों में, शिक्षा के क्षेत्र में भी रामगढ़ काफी अग्रणीय रहा है, कई उपलब्धियां राज्य स्तर पर भी यहां के पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने हासिल की है। हम लोगों ने रामगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई कॉलेज जो अभी हमारे बीच में चल रहा है, और सबसे बड़ी उपलब्धि पूरे राज्य में एक महिला इंजीनियरिंग कॉलेज जो रामगढ़ में गोला में बन रहा, वह भी लगभग बन के तैयार है। मैं आज यह कहना भी चाहूंगा कि दिसंबर तक हम लोग उसका भी उद्घाटन करेंगे और उसमें भी हम लोग पढ़ाई चालू करेंगे। इस तरह से लगातार हम लोगों का उपलब्धि, रामगढ़ जिले का उपलब्धि है, और आज से रामगढ़ जिला में डिवरी युग का समाप्ति हुआ है, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। साथ साथ 24 घंटा हम लोगों को कैसे बिजली मिले, इसके लिए भी अभी विभाग के पदाधिकारियों ने हम लोगों को अवगत कराया है। कुछ सब स्टेशन जो हम लोगों का आज बनना है, जो कई बन भी रहे हैं, जिसका 2 का आज उद्घाटन भी हुआ और पावर ग्रिड का शिलान्यास भी हुआ। हम समझते हैं कि आने वाले वर्ष में विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा जैसा हम लोगों को आश्वासन मिला है, तो निश्चित तौर पर 2018 के खत्म होते होते हम लोगों को रामगढ़ जिला में 24 घंटा बिजली मिलेगा, इनका आश्वासन है। इसके लिए भी मैं विभाग के पदाधिकारियों को भी मैं बधाई देता हूं। चूंकि राज्य बनने के बाद रामगढ़ में मात्र 30% घरों में बिजली था और आज रामगढ़ जिले में लगातार विभाग के मेहनत से सभी घरों में हम लोगों ने लगभग 70% घरों में जो अधूरा था उसको हम लोगों ने पूरा किया। मैं इसके लिए भी विभाग के सभी पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देते हैं। और कई एक लक्ष्य हैं, हम लोगों ने ओडीएफ
भी हम लोगों ने हासिल किया है। मैं पंचायत के प्रतिनिधि लोग भी आए हैं, स्वच्छता अभियान में भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, कई कार्यक्रम भी चल रहे हैं। इसको संपूर्ण रूप से सफल करने के लिए पंचायत के पदाधिकारी हमारे जल सहिया जो लगे हुए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं, काफी मेहनत कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता ला रहे हैं। आने वाले समय में भी यह रामगढ़ जिला सरकार के द्वारा जो भी योजना और रामगढ़ को लक्ष्य हासिल करने के लिए टारगेट दिया जाएगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से भी आश्वस्त करता हूं, सबसे पहला जिला रामगढ़ है जो आपके लक्ष्य को हासिल करेगा। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस ऐतिहासिक दिन जो आज मां भगवती के इस प्रांगण में यह कार्यक्रम हो रहा, सरकार का लक्ष्य है कि 2 दिसंबर में ही पूरे राज्य में 100% विद्युतीकरण का जो लक्ष्य है वह भी निश्चित तौर पर हासिल होगा। सरकार का काम करने का जो जज्बा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जज्बा है, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, सरकार के हर कार्य को पूरा करने में विभाग के पदाधिकारी, सरकार के सभी कर्मचारी का काफी सहयोग है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यह झारखंड राज्य पूरे देश में अन्य राज्यों से सबसे आगे रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को बधाई, धन्यवाद। आपके इस संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।